ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। हमारे उच्च शिक्षा मंत्री, ये जिंदाबाद का मंच नहीं है, शिक्षकों का मंच। हमारे उच्च शिक्षा मंत्री बाबू सिंह भाटी साहब, शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद दोतासा जी, सुभाष डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, वैभव गलेरिया जी, प्रदीप कुमारी पूरन, बजनलाल सैनी जी, निदेशक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकेडमी, यहाँ तमाम उपस्थित हमारे बहुत ही वरिष्ठ पूर्व कुलपति बैठे हैं, पूर्व प्रोफेसर, कॉलेज प्राचार्य, प्रोफेसर, सारे हमारे जो राजीव गांधी स्टडी सर्कल के रोहतक अधिकारी, सम्मानित लेखक है, प्रकाशक है, एकेडमी जुड़े हुए तमाम कर्मचारी और युवा विद्यार्थी, तमाम सब लोगों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये हिंदी ग्रंथ अकादमी के लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि एक तरफ तो महात्मा गांधी के 150 वर्ष की जयंती मनाई जा रही है और उसके दरमियान के अंदर राजीव गांधी जो हमारे प्रथम प्रधान 42 साल के सबसे नौजवान प्रधानमंत्री आज़ादी के बाद में बने हैं, राजीव गांधी बने, जिनका भी सपना था कि 21st सेंचुरी में देश को ले जाना है, आज मोबाइल और इंटरनेट सब देख रहे हैं, उनकी 75वीं जयंती मना रहे हैं। और आज खुशी की बात है कि इसके दरमियान में हिंदी ग्रंथ अकादमी का 50 वर्ष मनाना अपने मायने रखता है। मैं सबसे पहले हिंदी ग्रंथ अकादमी के तमाम परिवार के सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, और जो सफर तय किया है 50 साल वो मायने रखता है। 50 साल पहले जब स्थापना हुई, एक लंबा इतिहास आज़ादी के बाद में पंडित दयालों ने जिस प्रकार से शुरुआत करी, किस प्रकार से हिंदी को लेकर के प्लेटफॉर्म बनी, मौलाना अबुल कलाम आजाद प्रथम शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने आगे बढ़ाया, फिर जिस प्रकार ने 50 साल पहले 69 के अंदर हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना हुई, और 50 साल का सफर तय करते करते आज हम यहाँ बैठे हुए हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मेरे लिए गर्व की बात होना स्वाभाविक है। अकेडमी में बहुत ही शानदार काम की, जिस प्रकार से आपने समय समय पर जो फैसले किए, जिसका जिक्र किया भारती जी ने, कि लेखकों को प्रोत्साहित करने का काम, विद्यार्थियों में अच्छे किस्म की उच्च कोटि की पुस्तकें छप सके, लोगों को फिर नॉलेज के अंदर वो छात्रों को मिल सके, लेखकों को सम्मान करने के स्वरूप ऑनलाइन पेमेंट हो सके, इस प्रकार से आपने कोई कमी नहीं रखी। हर अध्यक्ष ने अपने अपने तरीके से काम करने का प्रयास किया। आज चैनी जी अध्यक्ष हैं, मैं उम्मीद करता हूँ वो भी पूर्व अध्यक्षों की तरह ही बल्कि उससे आगे बढ़ करके इस गरिमामय पद को निभाएंगे। और राजस्थान हिंदी अकेडमी ग्रंथ अकेडमी की गरिमा को और आगे बढ़ाएंगे। ये लोग खड़े हैं, इस बात की तकलीफ सबको है, पर कोई बात नहीं करें, यहाँ पर बात करने वालों को बाहर जाके बात करनी चाहिए। मुझे खुशी है कि इतने बड़े हॉल के अंदर जिस रूप में आप लोग बैठे हुए हैं, ऐसे उत्साह भरा ये प्रांगण कभी कभी देखने को मिलता है।
का प्रतीक है कि जो आपके जज्बा है, जो आपकी प्रतिबद्धता है, जो आपका सोच है, उसके कारण से आप सब यहाँ आए दूर दूर से। और इस मौके पर मैं कहना चाहूँगा कि ये तो सर्वविदित है, किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी राज्य में, किसी भी जिले के अंदर भी या गांव में भी कोई अगर लेखक है या पत्रकार है या साहित्यकार है या कलाकार है, उसका सम्मान होता है। और उस गांव की या जिले की या प्रदेश की पहचान भी उच्चित होती है, वो रास्ता दिखाते हैं समाज को, विश्लेषण करते हैं समाज के बारे में। और अच्छे लेखक, अच्छे साहित्यकार हम कैसे अपने आप को खींच कर सके, बना सके, इसमें सरकारों की भूमिका होती है। सरकार की भी ड्यूटी होती है, कर्तव्य होता है कि अपने क्षेत्र के लेखकों को, साहित्यकारों को, पत्रकारों को पूरी तरह से सम्मान दें, उनको आगे बढ़ाने में मदद करें। इसीलिए जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना 20 साल पहले, तब मैंने बिना मांगे हुए पत्रकार साहित्यकार कोष का निर्माण किया था। सरकार बदल गई इस कारण से, ये पानी जब गिरता है एक तरह सुकून अच्छा होता है। इस प्रकार से मैंने सरकार बदल दी गई तो जो मेरी सोच थी कि साहित्यकारों को, लेखकों को, कलाकारों को, उनके लिए अलग कोर्स बनाया, कलाकारों के लिए 1-1 करोड़ रुपये उस जमाने में मैंने रखे थे, तो वो काम उस रूप में आगे नहीं बढ़ता जिस रूप में बढ़ना चाहिए। आज ही मेरा मानना है कि लिटरेरी फेस्टिवल होता है जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल, जिसका अपना एक वाला बन चुका है, इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ के लेखकों को, साहित्यकारों को शिकायत रहती है, इतना ही लोगों को प्रोत्साहन नहीं मिलता है। हमने इस बार इस पर प्रयास किए कि हम इस प्रकार का फेस्टिवल स्थानीय कलाकारों के लिए, साहित्यकारों के लिए, लेखकों के लिए अलग से हम आयोजित करना चाहते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वो अपनी जगह जयपुर फेस्टिवल का नाम है, देश में भी है, देश के बाहर भी है। हम मगर बजाय इसके कि अभी किसी ने, कुछ साथियों ने ऐसे प्रोग्राम करने का प्रयास किया, हम पैरेलल क्यों करें, हम अपनी गरिमा के साथ में राजस्थान, चाहे वो राजस्थानी हो चाहे वो हिंदी हो, उसमें अपने अलग स्थान रखता है। समय समय पर उन्होंने देश को एक संदेश दिया कि राजस्थानी भाषा भी और राजस्थानी जो साहित्यकार है या कलाकार है या लेखक है वो भी कम नहीं है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा आने वाले वक्त के अंदर मैं आह्वान करूँगा आप लोगों से और आपके माध्यम से साहित्यकारों को भी, लेखकों को भी, तो वो आगे आए, संकोच नहीं करें, मांगने में संकोच भी नहीं करें, सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी और एक शानदार जयपुर फेस्टिवल होता है। मैं चाहूँगा कि उसी रूप में उच्च स्तर का एक फेस्टिवल यहाँ पर प्रारंभ हो, सरकार पूरी तरह से सभी तरह से करेगी। मैं वादा करना चाहता हूँ हिंदी भाषा का यहाँ पे सवाल है, उसका बड़ा महत्व है। अभी सुमार गैर जी ने जब कहा कि सर्कुलर निकलना चाहिए तो सभी ज़्यादा तारीफ बनी जाती है, स्वाभाविक है, भाषा जोड़ने का काम करती है। हमारे देश का एक अनेकता में एकता वाला जो मुल्क है, जहाँ अलग अलग भाषाएं हैं, हजारों बोलियां हैं, वो हमारी ताकत भी है।
भाषाएं विभिन्न हैं, चाहे तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती या पंजाबी या बंगाली या मराठी, क्या लिखा हुआ समझ में आता ही नहीं खुद से। तब भी हमारा मुल्क 70 साल के बावजूद भी एक रहा, अखंड रहा, ये हमारी ताकत भी नहीं, क्योंकि तो सबको साथ लेके चलना। तो हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में और मजबूत होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती, मैं आपको कहना चाहता हूँ। हिंदी भी जोड़ती है, आज़ादी की जंग के अंदर हिंदी का बहुत बड़ा योगदान रहा, जो महात्मा गांधी ने स्वीकार किया। महात्मा गांधी खुद गुजराती जानते थे, तो जब वो दक्षिण अफ्रीका आए तो देखा कि अगर मैं हिंदी को अपनाऊंगा तो जाकर के देशवासियों को एक कर पाऊंगा, और देश को एक करके मैं आज़ादी जंग में कामयाब हो पाऊंगा। तो उन्होंने हिंदी को अपनाया, और कई कमेंट देखने को मिलते हैं, आप भी देखेंगे गूगल के अंदर तो पाएंगे कि किस प्रकार हिंदी को पसंद देने का काम उन्होंने किया। और उनकी टिप्पणियाँ उस जमाने में सभी की, चाहे वो रविन्द्रनाथ टैगोर हो, चाहे महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, धर्मेंद्र प्रसाद जी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, अब्दुल कलाम आजाद साहब हो, किसी ने भी, सब ने उस वक्त में हिंदी को अपनाने के लिए हमेशा चर्चा करी है, अपने विचार व्यक्त किए हैं। पर आज भी इसमें वो जो राय है कि हिंदी राष्ट्रभाषा जरूर है, देश के तमाम विभागों के अंदर हिंदी दिवस मनाए जाते हैं, गृह मंत्रालय में तो हिंदी को पोषण देने के लिए समिति बनी हुई है, पूरे देश भर में दौरे होते हैं समितियों के देखने के लिए किस विभागों में कहाँ तक आगे बढ़े हैं हिंदी को लेकर। और मैं देखता हूँ कि जितना काम हिंदी को बढ़ाने में होना चाहिए था वो हो नहीं पा, और इसकी तकलीफ भी है, हिंदी में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। मैंने खुद महसूस किया है कि हिंदी में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, हिंदी में जो सोच रखते हैं साहित्यकार उनकी सोच में कमी नहीं है, पर इंग्लिश जिस रूप में हावी है देश के अंदर उसके कारण से कई बार हमारे हिंदी के साहित्यकार, पत्रकार, लेखक जिस रूप में अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं उसमें वो कमजोरी महसूस करते हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, अपनी भाषा अपनी भाषा ही होती है। आज चाइना है, रशिया है, जापान है, वो लोग अपनी भाषा में ही, चाहे साइंस हो चाहे टेक्नोलॉजी हो, उतना वो पढ़ाई करते हैं। हम लोग यहाँ पर जब साइंस की बात आती है, फिजिक्स की या केमिस्ट्री की या बॉटनी या जूलॉजी की, तो देखते हैं कि पता नहीं हिंदी में कैसे लिखेंगे। तो इस तरह प्रयास होना आवश्यक है, इसमें लेखक लोग क्या किताबें लिख सकते हैं ग्रंथ अकादमी के लिए या स्कूल के लिए, उनको पूरा प्रोत्साहन मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। और आने वाले वक्त में और ज़्यादा हम लोग मिलकर के किस प्रकार ग्रंथ अकादमी को मजबूत कर सकें, आपके जो सुझाव होंगे वो हम लोग स्वीकार करेंगे, और ज़्यादा कहें अच्छी अच्छी पुस्तकें लेखक लिखे, उनको प्रोत्साहन जैसे मिले उसमें हम लोग को कमी नहीं आने देंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और ये भी मैं कहना चाहूँगा आपको कि समय बड़ा कठिन चल रहा अभी देश के अंदर, उसको भी आपको हमको, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, देश में क्या हो रहा है अभी सब देश में देशवासी बहुत खुश है, धारा 370 हट गई, उसका विश्लेषण करना पड़ेगा, ये तो बहस का विषय नहीं है, ना मैं उसमें बोलने के खड़ा हूँ। एक फैसला सरकार ने किया, जो सरकार डेमोक्रेटिक वैसे चुनी हुई है, बहुमत से फैसले होते हैं, फैसला हो गया, लोकतंत्र दिया हुआ किसका है, महात्मा गांधी का दिया हुआ है, पंडित नेहरू का दिया हुआ है, सरदार पटेल का दिया हुआ है,
मौलाना आजाद का दिया हुआ है, डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान बनाया हुआ है, और देश में उस जमाने के बड़े बड़े लोगों ने जो त्याग बलिदान किए, जिन्हों बंद रहे 8-10 साल तक, कोई मामूली बात नहीं, देश आजाद हुआ, आज़ादी के बाद लगातार 70 साल तक हमारे यहाँ लोकतंत्र कायम है, हिंदुस्तान पाकिस्तान 7 साल आज़ाद हुए थे एक ही दिन, परंतु वहाँ लोकतंत्र बार बार समाप्त होते थे बंदूकों के साथ, संजीवों के साथ। 70 साल तक यहाँ इस मुल्क में लोकतंत्र को मजबूत किया गया, जड़ें मजबूत की गई, या बोलने की आज़ादी हो, सोचने की आज़ादी हो, सब तरह की आज़ादी हो, आज़ादी में सांस ले सकें, हम लोग गुलाम नहीं रहे। ये तो लड़ी थी आज़ादी के अंदर अंग्रेजों से, हम जीते 70 साल में वोटों के राज को दिया कांग्रेस ने देश को, उसको कायम रखा, प्रधानमंत्री बदल गए, सरकारें बदल गई, कोई चिंता नहीं कर रही, क्योंकि माई बाप जनता होती है, वो फैसला करती है, सबको मंजूर होता है, हुआ है तभी तो आज ये वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इसीलिए बन पाए कि देश में लोकतंत्र कायम रहा। ये तो मानेंगे मोदी जी, मानेंगे, पाकिस्तान की तरह कभी प्रधानमंत्री दिया जा रहा है, कभी राष्ट्रपति दिया जा रहा है, कभी जीतने वाले अली भुट्टो फांसी के फंदे पर हिला दें उनको प्रधानमंत्री। आज हमारे मुल्क में सरकार बदलती गई, इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई, बाबर आप लोगों का आशीर्वाद से चुनाव जीत के आ गई, राजीव गांधी जी चुनाव हार गए, आउट हो गए, बीपीसी जी आ गए, बीपीसी गए, चंद्रशेखर जी आ गए, नरसिम्ह राव जी आ गए, देवगौड़ा जी आ गए, गुजरात साहब आ गए, वाजपेयी जी आ गए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आ गए, मोदी जी आ गए, इसलिए कि ये हमारे मूल भावना दिल के अंदर है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र मजबूत हो और लोग कहे वो फैसला करे, जनता कौन किसको चाहती है सत्ता सौंपना, वो कम आती है। ये थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी जी बने और मैं ये कहूँगा प्रधानमंत्री जी आप गए इसरो के अंदर जिसकी स्थापना पंडित नेहरू ने करी थी, आज वहाँ उपग्रह छोड़े जा रहे हैं, 100 उपग्रह एक साथ छोड़े गए अभी एक साल पहले, आपको मालूम 2 साल पहले 100 उपग्रह दुनिया भर के मुल्कों के उपग्रह आए थे छोड़े गए, दुनिया भर के मुल्क मंगल ग्रह पर अभियान शुरू हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं गए, प्रधानमंत्री बनते 4 महीने बाद में, पर कम से कम जो यात्रा तय की है 70 साल की 40 साल की इसरो बनाने की, वैज्ञानिकों की जो आज हमारे बीच में रहे हैं ये भाभा थे और कोई आते गए उनको भी याद करो किस प्रकार से आप यानी पहुँचे। ये नहीं मैं प्रधानमंत्री बनते ही 4 महीने में ही उग्र छोड़े जाने लग गए, सुनी मंदिर थी यहाँ पर कोई बाहर से आती जा रही नहीं, बिजली आज चमकने जा रहा हूँ, बिजली क्या होती लोग समझते नहीं थे, पानी बिजली शिक्षा स्वास्थ्य सड़कें ठीक है मुल्क में, आप जो सीधे लोग बैठे मालूम है आपको बचपन में क्या था, लालटेन में पढ़ते थे हम लोग, ये स्थिति थी, हर खाने काम पहुँच गए। तो 70 साल के त्याग और बलिदान को भी याद करो, शासन करना अच्छी बात है, अच्छा शासन दो, पर जो कुछ भी हो रहा है देश के अंदर जिस रूप में अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है वो चिंता का विषय बना हुआ है, नई नौकरी लेना देना दूसरी बात है, नौकरी जा रही लोगों की चिंता का विषय बना हुआ है। आज कश्मीर के अंदर 40 दिन से लोग घरों में बंद हैं, आप उनको कॉन्फिडेंस जीतो, बातचीत करो, पूरा मुल्क देख रहा है 40 दिन से कोई मुल्क का एक हिस्सा जिनको हम कहते हैं कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, तो कश्मीर में जो अभिन्न अंग है चाहे जम्मू के हो चाहे लद्दाख के हो या कश्मीर के हो, 40 दिन के लिए आपने उनको अगर पता नहीं क्या हो रहा है मीडिया इंटरनेट
संबंध ये अच्छा संकेत नहीं है, लेकिन डरते कहते हुए हमें राष्ट्रविरोधी करार दिया जाता है। अगर इन बातों को कहने से राष्ट्रविरोधी करार दिया जाता है तो मैं राष्ट्रविरोधी हूँ ये मान लीजिए। अगर हम लोग चुप रहे, जो चुप है देश, इतिहास लिखा जाता है और इतिहास किसी को माफ नहीं करता, इतिहास किसी को माफ नहीं करता। आज हर पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेवारी है, बल्कि 70 वर्ष की जिम्मेवारी है, चाहे बीजेपी हो या आरएसएस हो, उनके भी कार्यकर्ता नेता है, उनकी आत्मा क्या कहती है? क्या वो कहती है कि आप किसी प्रदेश वासियों को 40 दिन तक आप इस प्रकार शांत कर दो, पता नहीं पड़े दुनिया को और देश को हो जा रहा है? ये अच्छी अच्छी बात, आप एक्शन करो, कार्रवाई करो, कुछ भी करो, परंतु कम से कम दुनिया को मालूम रहना चाहिए कि हम लोग लोकतंत्र में यकीन करते हैं। अगर इस प्रकार के लोकतंत्र को बंद कर देंगे हम लोग, मीडिया को बंद करके, इंटरनेट बंद करके, फिर लोकतंत्र कैसे रहे? आज हमारे देश का मान सम्मान अगर प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि दुनिया में बड़ा है, तो किस लिए बड़ा है कि 70 साल तक यहाँ लोकतंत्र कायम रहा है? दुनिया को आप मानती है, आज प्रधानमंत्री जाते हैं अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, जापान में, चाइना में, या वो प्रधानमंत्री आते हैं, सम्मान क्यों होता प्रधानमंत्री का, देश का? इसे 70 साल में जो कुछ हुआ देश के अंदर, विज्ञान में, टेक्नोलॉजी के अंदर, नवनिर्माण में, शिक्षा में, पानी की योजनाओं में, आज देश में पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, साइंस के क्षेत्र में पीछे हैं। तो दुनिया मानी लोहा हिंदुस्तान 21st सेंचुरी की जो बात की राजीव गांधी ने, उस दिशा में जम किया है देश ने, जम किया है। तो कल्पना करता था कि यहाँ टेलीफोन जो पहले मिलाते थे हम लोग ऑपरेटर के माध्यम से, फिर डायल होता था, आज हर हाथ में मोबाइल फोन दुनिया मुट्ठी में, गूगल के माध्यम से आप यहाँ बैठे बैठे दुनिया में क्या हो रहा देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सब कुछ हो गया। इसलिए आज अगर हम लोग देश का मान सम्मान बढ़ा है, 70 साल की जो सरकारें थी, जिस रूप में हमने यहाँ की जनता ने साथ दिया, लोकतंत्र में यकीन किया, उसके कारण से आज मान सम्मान बढ़ा है। उस लोकतंत्र के मान सम्मान को कायम रखने की जिम्मेवारी आज माननीय मोदी जी की है, वर्तमान सरकार की है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, वो बच नहीं सकते उससे। क्या मोदी जी मान नहीं है मोदी जी की, वो देश को बताए कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, हमने एक्शन किए उसका क्या परिणाम निकला है, हमारी आगे योजना क्या है, बताने में क्या तकलीफ है? हर बार आप पाकिस्तान का नाम लेकर भी जनता को नहीं गुमराह कर सकते हो, पूरा मुल्क एक साथ है। राहुल गांधी ने कहा कि पाकिस्तान ने उनके नाम का महसूस किया, तो कहा कि गलत से नहीं पकड़ पाले पाकिस्तान, पूरा मुल्क एनडीए गवर्नमेंट साथ रहेगा, मजबूती के साथ रहेगा, और कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, पाकिस्तान को हिंसा फैलाने को हक नहीं है, पूरा मुल्क साथ है, पूरा मुल्क आज नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के साथ में है कि मुल्क एक रहे, अखंड रहे, और पाकिस्तान की जो निगाह है वो कोई मुल्क, वो एक मुल्क नागरिक बर्दाश्त नहीं करे, ये भावना पूरे मुल्क के अंदर है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। एक बार मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, क्यों आप सब बुद्धिजीवी बैठे हैं, 30 साल से यहाँ पर आतंकवाद फैला रहा पाकिस्तान, कितने लोग मारे गए आतंकवाद, कितने लोग हमारे शहीद हो गए सैनिक, कितना दर्द होता होगा कि गांव के अंदर जब सैनिकों को सब आते तब, कश्मीर के अंदर जो मारे गए हैं वो कश्मीरी हो सकता है, पाकिस्तान का नागरिक हो सकता था, अफगानिस्तान का हो सकता था, इराक का हो सकता था, ईरान का हो सकता था, पर हिंदुस्तान का बाकी हिस्सा है कश्मीर को छोड़ करके,
यहाँ का कोई मुसलमान आते पकड़ा गया वहां पर, एक आतंकवादी बना हुआ जाकर के, 20 करोड़ की आबादी है देश के अंदर, 14% की आबादी है, एक भी मुसलमान हिंदुस्तान का वहां गया वहां पर आतंकवादी बनने के लिए, फिर भी हम अगर धर्म के नाम पर राजनीति करेंगे, जाति के नाम पर राजनीति करेंगे, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में उचित नहीं हो सकता है। हम सबको मिलकर के देश को बनाना है। देश आज पहुंच चुका है उसमें हमें घर होना चाहिए, और आगे आने वाले वक्त में भी हम सभी जाति सभी धर्म के लोगों को साथ लेके चले। राजस्थान के बारे में इतना कहना चाहूंगा कि राजस्थान की आपने सरकार बनाई है, मुझे तीसरी बार आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला। मैं हर वो काम करना चाहूंगा जो प्रदेश की जनता चाहती है, उनकी आशाएं उनकी अपेक्षा जो है उस पर खड़े उतरने के लिए कमी नहीं रखेंगे, ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ। और आपने मुझे बताया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। भंवर सिंह जी को, तमाम मेरे साथियों को, शैली साहब को, दोतारसा जी, उस्मान गर्ग जी को, इन सब ने मिलकर के एक फिजा बनाई है, और आप लोगों ने जिस रूप में साथ दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। उम्मीद करता हूँ आने वाले वक्त के अंदर तो कमी नहीं रखेंगे। यहाँ पर जो भी सुविधाएँ शिक्षकों को मिलनी चाहिए, कॉलेज खोलने की बात की गई, प्राइवेट कॉलेज पहले थी नहीं राजस्थान के अंदर, उनको हमने अलाउ किया 20 साल पहले, उसके परिणाम आपके सामने हमारे बच्चे जाते थे वहाँ महाराष्ट्र में भी और कर्नाटक में भी, आज कम से कम राजस्थान में ऊपर सकते हैं। आने वाले वक्त के अंदर भी शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान आगे बढ़े, ये हमारा प्रयास रहेगा। हृदय जोशी विश्वविद्यालय खोला हम लोगों ने पत्रकारिता के लिए, अच्छे पत्रकार अच्छे लेखक अच्छे साहित्यकार बने। अगर भोपाल के अंदर 30-40 साल पहले बना विश्वविद्यालय बन सकता है तो राजस्थान में क्यों नहीं बन सकता, ये मैं खुश हूँ। सरकार बदली और उनके साथ साथ में विश्वविद्यालय बंद कर दिया। इतिहास में कभी भी देश के अंदर कोई विश्वविद्यालय एक्ट बनने के बाद में बंद नहीं हुआ है। पहली बार पूर्व गवर्नमेंट ने डॉक्टर अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी और हृदय जोशी विश्वविद्यालय को बंद किया है पहली बार इतिहास के अंदर। ये उनकी सोच थी, नकारात्मक सोच थी, इसलिए आप समझ सकते हैं कि जब सरकार बदलती है कई बार खामियों को भुगतना पड़ता है। तो हम लोग मिलकर के आने वाले वक्त के अंदर जैसे मैंने आपसे कहा है हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।